जय श्याराम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो फिलहाल आज है 12 अक्टूबर और आज मैं आया हुआ हूँ चिंतामणि के गलियों में। पीछे देखो चिंतामणि का मंडप, चिंचपोकली चा चिंतामणि सात रास्ता बीट्स, और आगे यहाँ पे डीजे, और ये देखो लाइटनिंग है पूरा। सब जानते हो कि आने वाली है नवरात्रि, तो आज चिंचपोकली ची माते आई भवानी का आगमन है, तो आज हम वहाँ का आगमन कवर करने आए हैं। तो 7 बजे का टाइम है, मेन गेट से शुरू होगा आगमन चिंचपोकली के। तो अभी इंतजार करते, 7:30 बज रहे, लगभग आधे घंटे में फिर से आपको ना जैसे चिंतामणि में आपको मस्त गर्दी दिखी थी ना, जबरदस्त हवा लेने जैसी, हवा लेने जैसा भी मतलब जगह नहीं था उस तरह से, फिर यहाँ पर होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, तो हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो चलो अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, चिंचपोकली से आई माते भवानी चा विजय असो। तो देखो मंडली यहाँ पर पहुँच चुके चिंतामणि के मेन गेट पर, सामने चिंतामणि आई भवानी का मंडप है। अंदर यहाँ पर आकर एक बार ये लोग शास्त्रता बीट्स मतलब सबको बता रहे हैं कि अब माते रानी का आगमन होने वाला है, इसलिए एक छोटी सी झांकी बजाने जा रहे हैं ये लोग। तो ये एक रिहर्सल था कि आगमन शुरू हो चुका है, आ जाओ सब लोग। तो माते रानी जब आ जाएंगे तब हम कंटिन्यू करेंगे। चिंचपोकली आई भवानी का फर्स्ट लुक, माता रानी हमारे सामने, चिंचपोकली मेन गेट। पांच बड़ा
पोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल कार्यकर्ता।
मालेगांव और जींस पोकली से आई भवानी। अभी जींस पोकली का गली का आधा भी नहीं पहुंची है और मुझे घर जाने में बहुत ज़्यादा लेट होएगा। अगर मैं और रुकूंगा तो ट्रेन मिस हो जाएगा, फिर आज रात नहीं सोना पड़ेगा। तो देखो अभी मंडप ना काफ़ी दूर है, मंडप अभी वहीं पे है। तो मैं फिलहाल अपना ये ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड करके चलता हूँ घर वापस भिवंडी। तो मेरा आज की शाम चिंच पोकली आई भवानी के नाम हो चुकी है। तो फिर चलो भैया घर पे एडिट करो, कल 12 बजे वीडियो मिल जाएगी। तो पसंद आया तो फटाफट माते रानी की जय लिखो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।